बेलपत्री का पेड़ और उस पर देखिए सब्जी लेने के लिए गए और सब्जी वाले से ऐसी ऐसी वाली मिर्ची लेके आए थे। इस बार मई जून के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस टाइम पकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी दगड़े होते हैं, प्यार भरो प्रणाम। मैं पूजा भंडारी आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत से शहर देहरादून से। नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है, देखते हैं क्या क्या होता है आज के ब्लॉग में। उससे पहले देख लेते हैं देहरादून का मौसम। देहरादून का मौसम आज कुछ ऐसा है, बादल भी लगे हुए हैं और धुंध भी लगी हुई है। और यहाँ पे श्री राम का झंडा बहुत ही प्यारा लग रहा है जो कि हवा में लहरा रहा है। और धूप इतनी सी आई हुई है, बस बादल ही बादल छा रखे है चारों तरफ। बाकी मैं आई थी अभी ऊपर कपड़े धूप में डालने के लिए और मैं नहा गई हूँ। कपड़े वपड़े मैंने धो दिए हैं, लगभग सारा काम निपट गया है। अब रह गया है एक ही काम, वो भी बहुत बड़ा, वो ये है कि मायू पे मालिश करनी है। तो अब मैं चलती हूँ नीचे, मायू पे मालिश करती हूँ। अभी तो मायू शोर की है तो वो उठेगी, फिर उस पर मालिश करेंगे। और यहाँ सामने पे अंकल जी लोगों का है बेलपत्री का पेड़ और उस पर देखिए आजकल कितने सारे बेल लगे हुए हैं। ये बहुत सारे बेल लगे हुए हैं। पहले मुझे पता नहीं था कि इस बेल का क्या करते हैं, तो इस बार मई जून के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस टाइम पकते हैं ये बेर। तो इनका जूस निकाला जाता है और इनका जूस बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो उस टाइम अंकल जी लोगों ने दिया था, शायद मैंने उस टाइम ब्लॉग में भी दिखाया था, तो उस टाइम अंकल जी ने दिया था कि इसका जूस बनाना करके और जूस पीना। तो मुझे पता नहीं था पहले कि इसका जूस बना के जूस पीते हैं। परसों सब्जी वाला आया था तो ससुर जी सब्जी लेने के लिए गए और सब्जी वाले से ऐसी ऐसी वाली मिर्ची लेके आए थे, ये हरी हरी सी, और आजकल ये इतनी रेड हो गई है। जब वो हरी मिर्ची लेके आए तो हमने कहा ऐसी हरी मिर्ची का क्या करेंगे, क्यों लाए इतना सारा। तो उन्होंने कहा देखना दो तीन दिन बाद ये लाल हो जाएंगे, पर हमें विश्वास नहीं हो रहा था, पर ये फाइनली पक गई है अच्छे से। मायू तो शोर की है मस्त से, ये देखो तो इतना नहीं है इसको अभी, और जब काम करने का होगा उस टाइम उठना होता है इसको। यहाँ पे सासू जी भी लगे हुए हैं क्यारियों की गुड़ाई करने पे, यानी कि प्याज की गुड़ाई करने पे। आजकल थोड़ा सूख गए हैं वरना ये बहुत गीले थे। लंच बनाने का टाइम भी हो गया है, तो यहाँ पे मैंने चावल तो बना के तैयार कर लिए हैं और इधर मैंने रखी हुई है कढ़ी। आज खाएंगे हम कढ़ी भात। और यहाँ पे थी मलाई से छाछ बनाने के लिए, तो ये मैंने बना के तैयार कर लिया है। मक्खन बना दिया है, मतलब इतना सारा मक्खन हो गया है। और इस कटोरी में रख देंगे बिल्लियों के लिए छाछ। वो ज़्यादा खाते नहीं हैं, ज़्यादा छाछ नहीं पीते हैं, इसलिए इतना ही रखेंगे उनको। बाकी ये सारा गिरा देंगे और इसमें अभी भी नीचे से थोड़ा सा मक्खन रह रखा होगा। ये इस बार नहीं है, वरना नीचे से भी बहुत सारा मक्खन रहता है। अब इस वाले मक्खन से बनाएंगे घी। कढ़ी भी मेरी बनके तैयार हो गई है, तो अब मैं इस कढ़ी को उतार दूंगी और इस वाले गैस में इस मक्खन को रख दूंगी घी बनाने के लिए। देना, देना, देना,
अभी मैं और आरुई जा रहे हैं दुकान। क्यों जा रहे हैं? पेपर लेने। ये कुछ क्राफ्ट वगैरह बना रही थी तो इसको कलरफुल शीट चाहिए थी और कुछ डेकोरेशन के भी चाहिए आइटम। क्या बना रही वैसे? पिचकारी बना रहा हूँ मैं तो। खाली कबाड़ सा बना रही है ये? नहीं बना रही, बहुत अच्छा बना रही, बहुत ज़्यादा अच्छा। वही तो, मेरे से बढ़िया कभी बना ही नहीं पाएगी तो। आपका भी बड़े हो ना? हैं? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा आपको वीडियो बनाऊंगा। हैं? कब हो रही तो बड़ी?